रहे तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामपुर में ब्लैक फंगस के दो मरीज मिले। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करते हुए न जाने कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कोरोना का कहर अभी भी जारी है। इस दर्द को लोग सह ही रहे थे कि आफत के रूप में ब्लैक फंगस नाम की बला भी लोगों को डराने लगी है। जनपद रामपुर में ब्लैक फंगस के दो मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर आ चुका है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। तो सरकार असहज महसूस करे तो वो भी ठीक नहीं है। सरकार उनको डांटेगी, कहेगी तुम अपने आदमी को खिलाते क्यों नहीं। वो कहेंगे हम तनख्वाह देते हैं इनको। ये तो सिर्फ फोटो ही ले रहे हैं, मेरी आवाज थोड़ी नहीं आ रही होगी। अब आइए मत बोलना। रामपुर में अभी दो केसेस ब्लैक फंगस के हैं, जिसमें से एक केस मिलक क्षेत्र का था, जो कि बरेली पहले उसने दिखाया वहाँ हायर सेंटर पे, और उसके बाद वहाँ से जो जब वो ये लगभग तय हो गया कि ये ब्लैक फंगस ही है, तो उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज, जो कि सरकार की ओर से इस क्षेत्र में सबसे अच्छा म्यूकरमाइकोसिस का केंद्र बनाया गया है, वहाँ भेज दिया गया। इसी प्रकार एक दूसरा मरीज जो कि बिलासपुर क्षेत्र का था, उसको हमारे जिला चिकित्सालय में हमारे ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट ने देखा और उसको लगभग संभावित ब्लैक फंगस मानते हुए उसको भी जो है तुरंत रेफ़र कर दिया गया मेरठ मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर चूँकि म्यूकरमाइकोसिस वार्ड हैं अलग और बिल्कुल व्यवस्था है, तो वहाँ यहाँ के पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है। तीसरा केस आया वो संभावित है। तीसरे केस के विषय में पता लगा है, लेकिन वो अभी जिला चिकित्सालय में आकर जब तक अपनी पूरी जांच उसकी नहीं हो जाती और हमारे ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट उसको संभावित मानेंगे बिल्कुल, और तभी उसको सारी सलाह देकर और उस समय का वर्तमान इलाज करके और उसको रेफर कर देंगे। अरे दो जो आए हैं ब्लैक फंगस के, जिसमें दोनों महिला हैं, दोनों जेंट्स हैं? नहीं, एक पुरुष है और एक महिला है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।